नमस्कार विद्यार्थियों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको राजस्थान की जलवायु के पार्ट थर्ड के बारे में चर्चा करेंगे। आज मैं आपको जलवायु का वर्गीकरण बताऊंगी कि जलवायु का वर्गीकरण क्या है। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि राजस्थान की जलवायु को 5 भौतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है। पहला मैंने बताया था शुष्क जलवायु प्रदेश, दूसरा मैंने आपको बताया था कौन सा, दूसरा मैंने आपको बताया था अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, और थर्ड बताया था उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, फोर्थ बताया था आर्द्र जलवायु प्रदेश, और फिफ्थ बताया था अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। इनके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं राजस्थान की जलवायु का जो वर्गीकरण है, ऋतु वर्गीकरण है, वो क्या है, वो हम इस वीडियो में समझेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान की जलवायु का ऋतु वर्गीकरण अगर हम देखें तो राजस्थान की जलवायु का जो ऋतु वर्गीकरण है उसमें 4 प्रकार की ऋतुएं आती है। पहला है आपका ग्रीष्म ऋतु, कौन सा है, ग्रीष्म ऋतु। दूसरा है वर्षा ऋतु, तीसरा है शरद ऋतु, और चौथा है शीत ऋतु। हम जलवायु के वर्गीकरण में ऋतु वर्गीकरण को सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि राजस्थान की जलवायु पर मानसून का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान कैसा रहता है, शरद ऋतु में तापमान कैसा रहता है, ये हम जो है इसमें समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम ग्रीष्म ऋतु की। आप सब जानते हैं कि जो आपका मार्च से लेकर के 4 जो हमारी ऋतुएं हैं उसकी अगर हम बात करें तो इन ऋतुओं का प्रभाव जो है सूर्य पर पड़ता है। सूर्य की किरणें जो कि पृथ्वी पर पड़ती है उसके आधार पर हमने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में डिवाइड किया है। हमें पता है राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कब स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जहां पर ये जो विषुवत रेखा है सूर्य की किरणें यहां पर सीधी पड़ती है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते जाएंगे सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाएगा, और जब सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में होगी तो हमारे राजस्थान में क्या होगा, ठंड बढ़ेगी। वो कैसे, देखिए उत्तरी गोलार्ध में जब हम सूर्य कर्क रेखा पर 21 जून को, कब 21 जून को सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा सीधी पड़ती है कर्क रेखा पर, और आपको पता है भारत के मध्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा, और कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से होकर भी गुजरती है। तो आप जानते होंगे कि जो जून का टेम्परेचर है उस समय हमारे पूरे भारत में ग्रीष्म ऋतु रहती है, ग्रीष्म ऋतु रहती है, और जैसे 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 ग्रीष्म ऋतु के बाद में, ग्रीष्म ऋतु के बाद में कौन सी ऋतु प्रारंभ हो जाती है, वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है। जुलाई से लेकर के सितंबर मध्य तक जो काल है वो आपका वर्षा ऋतु रहती है। उसके बाद में आपकी कौन सी ऋतु आ जाती है, आपकी शरद ऋतु आ जाती है सितंबर से लेकर के मिड दिसंबर तक, और मिड दिसंबर से लेकर के फरवरी तक का जो महीना है वो आता है आपका कौन सी ऋतु, शीत ऋतु के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम राजस्थान की जलवायु में ग्रीष्म ऋतु को समझने वाले हैं। कौन सी ऋतु को, ग्रीष्म ऋतु को। अगर ग्रीष्म ऋतु की अगर हम बात करें तो ग्रीष्म ऋतु की राजस्थान की विशेषताओं की बात करें तो राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका लू, दूसरा है आपकी आंधी, और तीसरा है आपका बबूलिया। ये 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, और मैं इस वीडियो में एग्जाम के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ही बना रही हूं। तो देखिए, लू, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में जो गर्म और शुष्क हवाएं चलती है उसको हम क्या कहते हैं, लू के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है,
लू के नाम से जाना जाता है। और सबसे ज्यादा जो लू चलती है वो कहां पर चलती है? बाड़मेर में। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आगामी दिनों में जो पटवारी का एग्जाम होने वाला है उसके दृष्टिकोण से तो ये काफी इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। क्या कि सबसे ज्यादा लू जो चलती है वो बाड़मेर में चलती है। कहां चलती है? बाड़मेर में चलती है। उसके बाद आती है कि इस ग्रीष्म ऋतु में जब धूल भरी आंधियां चलती है जिसमें नमी भी होती है और जो आर्द्रता युक्त हवाएं होती है उसे हम आंधी के नाम से जाना जाता है। और सबसे ज्यादा दिनों तक जो आंधी चलती है वो गंगानगर जिले में चलती है। और गंगानगर जिले में कितने दिन? 27 दिनों तक लगातार ये आंधियां चलती है जो क्या होती है? धूल भरी होती है, जिसमें नमी होती है और जिसमें आर्द्रता होती है। तो ध्यान रखना, लू सबसे ज्यादा चलती है बाड़मेर में, जबकि आंधी सबसे ज्यादा चलती है श्री गंगानगर में 27 दिनों तक। उसके बाद आता है भबूलिया। भबूलिया भी धूल भरी हवाएं होती है लेकिन चक्रवात की तरह होती है। किसकी तरह होती है? चक्रवात की तरह होती है, चक्रवाती हवाएं। चक्रवात का नाम सुना ही होगा आपने, अंदर जो सेंटर बिंदु है उसमें आपके निम्न वायुदाब होता है और हवाएं ऊपर की तरफ उच्च वायुदाब रहती है और हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरह चलती है, जिसको हम भबूलिया के नाम से भी जाना जाते हैं, बवंडर के नाम से भी जिसको हम जानते हैं। और सबसे ज्यादा बवंडर चलते हैं बीकानेर में। ये चीज आपको याद रखनी है विद्यार्थियों एग्जाम के दृष्टिकोण से। और ध्यान रखना, राजस्थान की जलवायु में से एक या दो क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो आपने देखा लू सबसे ज्यादा चलती है बाड़मेर में, आंधी सबसे ज्यादा 27 दिनों तक चलती है श्री गंगानगर में, और बबूलिया जो कि सबसे ज्यादा चलता है बीकानेर में। कहां चलता है? बीकानेर में। अब उसके बाद हम बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की कुछ घटनाओं के बारे में जिनसे संबंधित क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। देखिए विद्यार्थियों, ग्रीष्म ऋतु की वह घटना जो टेम्परेचर को बढ़ाती है, किसको बढ़ाती है विद्यार्थियों? टेम्परेचर को बढ़ाती है, वो क्या है? लू कहलाती है। आपसे ध्यान रखना है कि ग्रीष्म ऋतु के अंदर राजस्थान में जो गर्म व शुष्क हवाएं चलती है जो तापमान को बढ़ाती है, सबसे ज्यादा बाड़मेर में चलती है, वो क्या है? लू है। वो घटना जो तापमान को सबसे कम करती है वो है आपकी आंधी। और सबसे ज्यादा गर्म महीना कौन सा है? जून का है, क्योंकि इस समय कर्क रेखा पर 21 जून को कर्क रेखा पर क्या सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसीलिए राजस्थान का सबसे गर्म महीना जून माना जाता है। कौन सा माना जाता है? जून माना जाता है। और ग्रीष्म ऋतु में सबसे ज्यादा गर्म जिला रहता है आपका चूरू। चूरू सबसे ज्यादा गर्म स्थान वाला जिला है। कौन सा? चूरू। और अगर आपके स्थान की बात करें तो ध्यान रखना है आपको फलोदी का जोधपुर और बोरिया वाली बीकानेर का, बोरिया वाली बीकानेर। ध्यान रखना, राजस्थान का सबसे गर्म स्थान पूछ ले तो करना है फलोदी जोधपुर और बोरिया वाली बीकानेर, जबकि आपसे जिला पूछ ले तो आपको चूरू जिला करना है। कौन सा जिला करना है? चूरू जिला करना है। आगे देखिए, आपसे पूछ ले सबसे ज्यादा दैनिक तापांतर कहां पड़ता है, तो ध्यान रखना है जैसलमेर में। अब आप ये कहोगे कि राजस्थान में सबसे ज्यादा टेम्परेचर चूरू में रहता है तो दैनिक तापांतर जैसलमेर में कैसे रहता है? इसके पीछे रीजन है विद्यार्थियों, मिट्टी जो होती है जल्दी ही गर्म होती है और जल्दी ही क्या होती है? ठंडी होती है। तो जैसलमेर की जो आपका रेतीली मिट्टी है, वो रेतीली मिट्टी सूर्य की किरणों को आकर के बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और जैसे उन पर रात का टेम्परेचर आता है वो जल्दी ही ठंडी हो जाती है। तो ध्यान रखना, जैसलमेर वाला जो इलाका है यहाँ सबसे ज्यादा दैनिक तापांतर मिलता है, दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत बड़ा डिफरेंस मिलता है। तो ध्यान रखना, सबसे गर्म जिला चूरू,
सबसे गर्म स्थान फलोदी, सबसे ज्यादा दैनिक तापांतर वाला जिले की बात करें तो ध्यान रखना है जैसलमेर, जहां 45 डिग्री दिन का टेम्परेचर और रात का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो लगभग 20 डिग्री सेल्सियस का दैनिक तापांतर आपको जैसलमेर में देखने को मिलेगा। ठीक है विद्यार्थियों, अब उसके बाद आता है वार्षिक तापांतर। वर्ष तक सबसे ज्यादा टेम्परेचर में जो विभिन्नता मिलेगी वो मिलती है चूरू में। क्यों? क्योंकि यहां पर सबसे गर्म जिला भी यही है और यहां पर ठंड भी, जहां पर गर्म ज्यादा है वो ठंडा भी ज्यादा होगा। इसीलिए वार्षिक तापांतर अगर आपसे पूछ ले तो आपको चूरू जिला करना है, और अगर आपसे दैनिक तापांतर सबसे ज्यादा पूछ ले तो आपको क्या करना है, आपको जैसलमेर करना है विद्यार्थियों। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं हम, तो समझ में आया ग्रीष्म ऋतु। अब अपन हम जो है दूसरी ऋतु की बात करने जा रहे हैं, वो है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु का सबसे बड़ा महत्व है, किसान साल भर जिसकी आस लगाए बैठे हैं वो है आपकी कौन सी ऋतु, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु हमारे देश में जो वर्षा होती है वो मानसून पर निर्भर है, इसीलिए हमारे देश की जलवायु को मानसूनी जलवायु के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मानसून का हमारे देश की वर्षा पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। वो क्या, देखिए मानसून हमारे देश में जो वर्षा होती है उसका सबसे बड़ा रीजन है मानसून का आना। और मानसून शब्द अरबी भाषा के मोशीम शब्द से बना है और इसके जनक अल मसूदी को माना जाता है। और मानसून का मतलब क्या है, मौसमी हवाओं की दिशा में परिवर्तन जो जल से स्थल की ओर होता है उसे ही हम मानसून के नाम से जानते हैं। जो आपकी पवने हैं वो पवने मानसूनी हवाओं की दिशा में परिवर्तन जो जल से स्थल की ओर होता है उसे हम मानसून कहते हैं। मतलब इसका है ऋतु में परिवर्तन को भी हम मानसून कहते हैं, और मौसमी हवाओं की दिशा में जो परिवर्तन जल से स्थल की ओर होता है उसे भी हम मानसून के नाम से जानते हैं। और हमारे देश में जो मानसून आता है जिसके कारण हमारे देश की सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ध्यान रखना हमारे राजस्थान में नहीं, हमारे भारत में भी सबसे ज्यादा जो बरसात होती है वो कौन से मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण होती है। ध्यान रखना है दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति हिंद महासागर में होती है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, ये है आपका हिंद महासागर। ये हिंद महासागर में जब हमारे देश में उच्च निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है, निम्न वायुदाब। अब क्या है ये चीज, एक बार ध्यान से समझ लीजिए। एक चीज आपको समझनी है कि जहां पर तापमान ज्यादा होता है, तापमान ज्यादा होता है वहां पर वायुदाब हमेशा कम होता है। क्या होता है, कम होता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखनी है। और एक बात और नियम आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप दक्षिणी पश्चिमी मानसून पढ़ो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, और जहां तापमान ज्यादा है वहां वायुदाब कम होगा, और जहां तापमान कम है वहां पर वायुदाब ज्यादा होता है विद्यार्थियों। तो देखिए हिंद महासागर में ये मानसून उत्पन्न होता है, क्योंकि इस समय हमारे देश में 21 जून के आसपास, आपने बोला जून के, मई और जून में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, और हमारे भारत का उत्तर पश्चिमी इलाका जो पाकिस्तान के टच में है उस इलाके पर उच्च निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है। और इस समय हिंद महासागर जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, कहां पर है, हिंद महासागर जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, कहां पर स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ इस समय तापमान कैसा होता है, यहाँ पर इस समय तापमान बहुत ही
कम होता है तो वायु दाब ज्यादा होता है। वायु दाब कैसा होता है विद्यार्थियों? ज्यादा। तो हवाई जो पवने हैं वो हिंद महासागर से ऊपर उठती है। हिंद महासागर से ऊपर उठने के बाद जैसे ही विषुवत रेखा को पार करती है ये किस तरफ मुड़ जाती है? दक्षिण से पश्चिम की ओर। किस तरफ? दक्षिण से पश्चिम की ओर ये हवाएं मुड़ जाती है। इसीलिए इस मानसून को दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से जाना जाता है। तो समझ में आया क्या कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून जिससे ना केवल राजस्थान बल्कि भारत की 80% बारिश होती है, 70 और 80% का रेशो होता है, एग्जैक्ट नहीं कह सकते हम, 80 और 90 भी हो सकती है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति हिंद महासागर में होती है क्योंकि हिंद महासागर में इस समय वायुदाब ज्यादा होता है और तापमान कम होता है। हवाएं उच्च वायुदाब के कारण ऊपर की ओर उठती है और जैसे ही विषुवत रेखा को पार करती है पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और पश्चिम की ओर मुड़ जाने के कारण ही इस मानसून को दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से जाना जाता है। और जैसे ही ये भारत के तट से दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार से टकराती है भारत में ये हवाएं दो भागों में बढ़ जाती है। एक को बोलते हैं अरब सागर का मानसून और दूसरे को बोलते हैं बंगाल की खाड़ी का मानसून। अरब सागर का मानसून और बंगाल की खाड़ी का मानसून। ध्यान रखना भारत में सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो कौन से मानसून से होती है? ध्यान रखना अरब सागर का मानसून जो है पश्चिमी घाट से टकराता है और पवना विमुखी ढाल के कारण इसकी नमी कम हो जाती है, जबकि बंगाल की खाड़ी के मानसून से भारत में सबसे ज्यादा बारिश होती है और ये मानसून उत्तर पूर्वी राज्य जो है भारत के यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। और आपको सबको पता होगा विश्व में सबसे ज्यादा बारिश वाला स्थान मासिनराम भी भारत में ही स्थित है क्योंकि दक्षिणी पश्चिमी मानसून सीधे उत्तर पूर्वी राज्यों में चला जाता है और वहां पर सबसे ज्यादा बारिश करता है, राजस्थान तक आते आते अपनी नमी को खो देता है। अब बात आती है अरब सागर का मानसून। अरब सागर का मानसून आपके इधर इस वाला जो इलाका है आपका महाराष्ट्र और कर्नाटक में बारिश करते हुए राजस्थान तक पहुंचता है। अरावली पर्वत श्रृंखला से के समानांतर होने के कारण राजस्थान का पश्चिमी इलाका अछूता रह जाता है लेकिन राजस्थान में बहुत अच्छी बारिश करता है अरब सागर का मानसून। तो राजस्थान में सबसे पहले प्रवेश करता है अरब सागर का मानसून और उसके बाद प्रवेश करता है बंगाल की खाड़ी का मानसून। तो आपको समझ आया कि राजस्थान में वर्षा कौन से मानसून से होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होती है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए अब आता है मानसून की तिथियां और निवर्तन तिथि की। राजस्थान में मानसून कब आता है तो ध्यान रखना है विद्यार्थियों मानसून की आगमन तिथि और निवर्तन तिथि, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पुटअप हुआ है विद्यार्थियों। देखो देश में मानसून का प्रारंभ होता है जून के प्रथम सप्ताह में और राजस्थान में 15 जून के आसपास किसका मानसून का प्रवेश होता है। भारत में मालाबार तट जो केरल में है यहां पर सबसे पहले मानसून का आगमन होता है और राजस्थान में बांसवाड़ा व डूंगरपुर में सबसे पहले मानसून का प्रवेश होता है। तो ध्यान रखना भारत के केरल में सबसे पहले मानसून आता है और राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर वाले इलाके में सबसे पहले मानसून आता है। उसके बाद देखिए देश में मानसून सबसे पहले अंडमान निकोबार में आ जाता है 25 मई के आसपास, ध्यान रखना है, और सबसे अंत में पहुंचता है जैसलमेर जिले में 15 जुलाई के आसपास। तो देश में सबसे अंत में पहुंचता है जैसलमेर में 15 जुलाई के आसपास। तो आप समझ गए होंगे विद्यार्थियों कि जैसलमेर में सबसे कम बारिश क्यों होती है और राजस्थान में सबसे कम बारिश वाला जिला भी कौन सा है? जैसलमेर। क्यों? क्योंकि यहां पर मानसून ही सबसे लेट पहुंचता है विद्यार्थियों। ठीक है, तो समझ में आया क्या आया कि देश में आगमन केरल में
राजस्थान में आगमन बांसवाड़ा और डूंगरपुर में, देश में मानसून सबसे पहले अंडमान निकोबार में और सबसे अंत में पहुंचता है जैसलमेर में। ठीक है, उसके बाद की कहानी मानसून की प्रकृति। मैंने यहां तक आपको बता भी दिया है कि मानसून की प्रकृति, मानसून का देरी से आना और समय से पहले लौट जाना ही ये हमारी प्रकृति है। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों में बांट सकते हैं, अरब सागर का मानसून और बंगाल की खाड़ी का मानसून। ये बात मैंने आपको बता दी है। सबसे पहले अरब सागरीय जो शाखा है पश्चिमी घाट पे आती है, फिर छोटा नागपुर पठार को और उसकी एक हिमाचल शाखा राजस्थान में जाती है। तो तीन शाखाएं हैं अरब सागर की, एक पश्चिमी घाट में आती है, दूसरी छोटा नागपुर और तीसरी हिमाचल शाखा, जबकि बंगाल की खाड़ी का एक पूर्वी हिमालय की तरफ जाती है और एक आपका उत्तर के विशाल मैदान की तरफ शाखा जाती है। इस तरीके की ये दो शाखाएं हैं। आगे के वीडियोस में हम दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं की राजस्थान में, भारत में किस तरीके से प्रवेश होता है, किस तरह बारिश होती है, मानसून से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, शरद ऋतु, शीत ऋतु, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आज मैंने जो आपको राजस्थान की जलवायु से संबंधित जो भी फैक्ट्स बताए हैं वो आगामी दिनों में होने वाली पटवार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में राजस्थान की जलवायु आती है, तो आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से आपको राजस्थान से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको क्लियर करवाऊं और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसके लिए आपको मेहनत करनी है, पढ़ना है और इसके लिए आप नव भारती स्टडी सर्कल चैनल से जुड़े रहिए ताकि नए अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहे। विद्यार्थियों धन्यवाद।